हम लोग चॉप का ब्रेन हैक करने वाले, और उसके ब्रेन को हैक करने के लिए उसके घुटने में जाना पड़ेगा। वेट अ मिनट, उसके सर में तो ब्रेन ही नहीं है भाई। लेकिन आज इस बात का खुलासा कर लेंगे कि चॉप के पास दिमाग है या नहीं है। तो गाइस, चॉप के दिमाग में घुसने के लिए हमें तीन चीज का खास ध्यान रखना है। पहली चीज, जब भी अपन उसके दिमाग में घुस रहे हो तब वो अकेला होना चाहिए। दूसरा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए भाई। और तीसरा, या तो वो सोया होना चाहिए या फिर बेहोश होना चाहिए। आज सारे बदले निकाल लूंगा भाई मैं। ये रहा वो डिवाइस, इससे मैं चॉप के ब्रेन को हैक कर लूंगा भाई। तो चलो फिर देखते हैं अभी चॉप फिलहाल क्या कर रहा है। ओ माय गॉड, शिट गाइस, वो देखो भाई, अभी चॉप अपने दोस्तों से मिल रहा है। मतलब गाइस, मैं ना हमेशा सोचता हूँ यार, ये डॉगी लोग जब मिलते हैं तो ऐसी क्या बातें करते होंगे भाई। डॉगी लोग की मतलब एक्चुअल में जो कम्युनिकेशन है वो कैसे होती है। गाइस, अगर आप भी मेरे साथ जानने के लिए एक्साइटेड हो तो वो लाइक वाला बटन दबा कर मेरे को बताओ। पहले अपन देखते हैं लोग क्या बात कर। भाई लोग, अगर मैं तुम्हें सच बताऊ ना तो मालदीव में उतना मजा नहीं है जितना दुबई में है। आइला, मैं तो पहले ही बोल रहा था कि अगर जाना है तो दुबई जाओ, मालदीव तो छोटे मोटे लोग जाते हैं। हाँ वही तो। और पप्पू पिक, जरा तुम भी बताओ। पप्पू पिक, मैं तो यही बोलूंगा, मालदीव और दुबई से अच्छा तो बर्गर है। बर्गर? अरे भाई, हम लोग जगह की बात कर रहे हैं यार, इस पप्पू पिक को ना बुलाना ही नहीं चाहिए। आइला, मैं तो पहले बोलता था चौप कि पप्पू पिक तुमसे भी ज्यादा बेवकूफ है। मुझे बेवकूफ बोलता है? हाँ, मेरे पास दिमाग भर भर के है, 10 किलो दिमाग है मेरे पास। अच्छा, 10 किलो दिमाग है इसके पास। गाइज, ये लोग तो बस बेकार की बातें करते हैं यार। गाइज, अपने को ना वेट करना पड़ेगा, चॉप को एकदम अकेला होना चाहिए। और गाइज देखो, ताकि वो सोया रहे और बेहोश हालत में रहे, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ना काफी ज्यादा जल्दी चॉप को नींद आ जाए। हाँ, एक आइडिया है मेरे पास। चॉप को जब भर पेट खाना मिले ना तो वो तुरंत सो जाता है। तो गाइज, मैं फटाफट ना उसके लिए खाने का इंतजाम करता हूँ। अभी फिलहाल ना मैं उसके लिए कुछ ऑर्डर कर देता हूँ भाई, ऑनलाइन सबसे बढ़िया वही ऑप्शन है मेरे पास। चलो फिर मैं चलता हूँ, ठीक है? मेरे जाने का और खाने का टाइम हो गया है, बाय। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, बस मास्टर अभी तक मेरा खाना नहीं निकाले होंगे ना, तो मैं मास्टर को ही खाना समझ के खा जाऊंगा। मास्टर, किचन में कोई नहीं है। गाइज, मुझे नींद भी बहुत आ रही है, खाने का भी कुछ नहीं है, अपने बिस्तर में जाकर लेटता हूँ भैया। कम से कम, अरे बाप रे बाप, एक मिनट भाई, आज पार्टी किस बात की है? इतना सारा खाना देख के मैं खुश हो गया हूँ। गाइस, अगर आप भी खाना देखकर खुश होते हैं तो वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो। वैसे खाना देख के कौन खुश नहीं होगा भाई, अगर टेस्टी टेस्टी खाना हो तो सब खुश होंगे। इसका मतलब यही है कि सब सब्सक्राइब बटन दबाएंगे। यस, चलो चलो गाइस, अब मैं भरपेट खाने वाला हूँ। ऑल राइट गाइस, मेरा प्लान जो है वो एक्चुअली में काफी अच्छे से काम कर रहा है भाई। मतलब गाइस, अगर मैं आपको सच बताऊं ना तो चॉप और शिनचैन और स्नोप जब मेरे दिमाग में घुसे थे ना, तो आपको याद होगा कितना ज्यादा दिक्कत किए थे वो लोग मेरे लिए। मैं बस वेट कर रहा हूँ, जैसे ये खा के सोएगा ना मैं अपना तुरंत काम स्टार्ट करूंगा भाई। बस भाई, कैसे शिनचैन और आलोक ना टपक जाए। हेलो अरिन भाई, कैसे हो? अरे कहाँ, हाय हाय, कैसे हो भाई तुम लोग? अरे भाई, तुम्हारा ही घर है, अपना ही घर समझो, ऐसे झाक क्यों रहे हो? हाँ, ऐसा कोई झाकता है अपने घर में? अरे वो मैं, मतलब मेरा ही घर है भाई, मैं झाकू चाहे ना झाकू, मैं कुछ भी करूँ तो करना। हा? और जब नहीं तो तब आ जाता है मुठा के। हाँ, तेको कोई बुलाया है? अरे भाई, असली में उसे मैंने ही बुलाया है। हाँ मतलब, अच्छा तेको मतलब किसी ने तो बुला लिया, चल अच्छा ही है। अरे मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारा चॉप का यार, आज मैं शिनचैन और चॉप घूमने जाएंगे, तुम भी चलना चाहते हो क्या? अरे शिट, नहीं देख, मैं तो नहीं जाऊंगा। और यार चॉप को मतलब, क्योंकि अभी चॉप के ना सोने का टाइम है, तुम दोनों घूम कर आ जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरिन भाई, लेकिन चॉप तो जब भी घर से जाता है आपको बहुत बढ़िया लगता है, फिर आज पहली बार आप चॉप के लिए मना क्यों कर रहे हो? अरे भाई, बताया तो यार उसका सोने का समय ना, इसलिए मना कर रहा हूँ। और क्या? ओके, हम दोनों चलते है। हाँ भाई, तुम दोनों जाओ, मैं भी अंदर चलाऊ क्या? मैं भी थोड़ा बिजी हूँ, आज बहुत काम है मेरे को, बाय बाय। अरे भाई, मुझे कुछ ना कुछ तो अजीब लग रहा है यार, ये आर्यन पक्का कोई खिचड़ी पका रहा है शिनचैन। वही तो, लेकिन रुको 2 मिनट, मैं अंदर से गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ। ओके भाई, जरा ध्यान से जाना, कहीं तुम्हारे साथ ही कुछ ना हो जाए। मेरी चिंता मत करो, मैं तो अभी अंदर जाऊंगा। अरे बाप रे बाप, इतना सारा खाना, आज तो चॉप की मौज है। देखो तो गाइस, मतलब देखो क्या, सुनो तो गाइस, ये खराटे मार के कितने जोर से सो रहा है। अब ये नहीं
नहीं उठेगा भैया, क्योंकि ये जब भर पेट खाता है तो इसे कोई भी नहीं उठा पाता है। तो चलो मुझे क्या, मैं तो गाड़ी की चाबी लूंगा और निकलूंगा। गाइस देखो मेरे पास बहुत कम समय, आई होप कि शिनचैन और आलोक फटाफट यहाँ से निकले। जैसे ही निकलेंगे ना, मैं फटाफट उसके ब्रेन में घुसने का कार्यक्रम शुरू करूंगा। और एक बार मैं उसके ब्रेन में घुस गया ना भाई, किसी को पता नहीं रहेगा कि उसको मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। और गाइस फिर मैं उससे ऐसी ऐसी हरकतें कराऊंगा ना। आलोक चाचा जी थोड़ी ध्यान से चलाना भैया, अरिन भाई की गाड़ी है। अरे तो चिंता क्यों करता है भाई, आलोक से अच्छा कोई दुनिया में ड्राइवर ही नहीं हो सकता भाई। अभी देख क्या कट। अरे सारे ऑलराइट भाई, फाइनली वो लोग चले गए भाई। इतना दिक्कत हो रहा था ना, अब भाई मस्त मजा आने वाला है। लेट्स गो। ओ भाई अच्छा हो ये उठानी है, थोड़ी देर में उठ जाएगा ये। रुको गाइस अब अपन अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। ऑलराइट ओके, कुछ तो सीन होना चालू हो गया है। ओके गाइस अपना काम हो रहा है, अपना काम हो रहा है। ओके गाइस पोर्टल खुल गया है भाई, मैं अंदर जाने वाला हूँ। 3-2-1 लेट्स गो। अरे बाप रे बाप, बहुत भयंकर नींद आई थी भाई, एकदम भयानक सपना देख लिया। आर्यन भाई का चेहरा आ गया था। अब मस्त मैं उठ गया हूँ, अब मुझे घूमने जाने का मन है। लेकिन कहीं शिनचैन आलोक की ना खुशबू आ रही है ना आवाज आ रही है। शिनचैन गाइस, आर्यन भाई की गाड़ी भी नहीं है, लोग घूमने चले गए, मुझे अपनी ऑटोमेटिक गाड़ी चलाना पड़ेगा। ऑटोमेटिक गाड़ी बाहर आओ। अरे बाप रे बहुत देर नहीं कर दिया तुमने। हाँ मैं कब से इंतजार कर रहा था, चलो आ गया। आज मेरा कहाँ जाने का मन है, कहाँ जाने का मन है, मैं रास्ते में डिसाइड करूंगा। एक काम करो, ऑटोमेटिक गाड़ी तुम इतना खतरनाक चलाओ कि मैं डर के निपट ही जाऊँ, ठीक है। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं अरे नहीं, अरे नहीं ऑटोमेटिक गाड़ी ऐसा मत करो। मैंने ऐसा बोला ही नहीं। एक मिनट, मैं ऐसा बोलना चाहता नहीं था, इसके बाद भी। अरे ऐसा मत करो भाई ऑटोमेटिक गाड़ी। गाइस मैं बोलना नहीं चाहता था, फिर भी ऐसा कैसे हो गया। ऑटोमेटिक गाड़ी पहाड़ में चढ़ाओ और कुदा दो। अरे नहीं 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 नहीं, अरे यार ये क्या हो रहा है भाई, मैं ऐसा बोल ही नहीं रहा हूँ। ऑटोमेटिक गाड़ी तुम अभी रुक रुक। अरे बाप रे बाप क्या कर रहे हो। ऑटोमेटिक गाड़ी अभी तुम रुक, रुको मत, भगते रहो, बहुत तेज भगो। अरे भाई मुझे माफ करो यार, रुको रुको मुझे उतरने दो। बाप रे बाप फाइनली मैं उतरा तो गया। इस पता नहीं ये क्या हो रहा है, मेरे मुंह से कुछ भी अपने आप निकले जा रहा है भाई। चलो एक काम करता हूँ, यहाँ मस्त बढ़िया ठंडी ठंडी हवा होगी, हवा खाता हूँ। अरे मेरे मेरे पैर उधर कैसे जा रहे हैं। हाय आप लाल शर्ट में बिल्कुल टमाटर लग रहे हो। पागल है क्या, टमाटर अभी खिलाऊं तुझे। नहीं नहीं मुझे टमाटर नहीं खाना है, पर आप लाल शर्ट में बिल्कुल मूली टमाटर लगते हो। आप दोनों की जोड़ी है करेले और टमाटर की, समझ में आया। ओए तू समझेगा नहीं। नहीं नहीं मैं समझ गया, मुझे ना मारो। मैं उन्हें टमाटर क्यों बोला भाई, वो तो लाल टी शर्ट में टमाटर तो लगते ही नहीं, ऐसे में तो आर्यन भाई तरबूज लगना चाहिए। लगता है मुझे ये व्हाइट वाली गाड़ी से रेस करना पड़ेगा। गाइस मैं कहा बाप रे बाप, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, अब इससे मेरी बुद्धि में डैमेज हो जाएगा। ऑलराइट गाइस अभी तक ना चॉप कोरा बिल्कुल भी वो नहीं हुआ है कि मैं उसके दिमाग में हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ उल्टा सीधा कराया ही नहीं है। अब जब ये घर जाएगा ना भाई तब मजा आएगा। आलोक चाची जी अब फिर से अरिन भाई मुझे डांटेंगी, उन्होंने मुझे मना भी किया था आलोक को मत देना, पर फिर भी मैंने आपको दिया था। अरे तो ये तो तुम्हारी गलती है ना भाई, तुमको नहीं देना था। बाप रे बाप गाड़ी की क्या हालत बना दी, अब अच्छे से ड्राइविंग सीख क्यों नहीं लेते हो। अरे यार ये वाली गाड़ी नीचे नहीं जाती है गैराज में, अब क्या कर रही हो। अरे तो भाई तुम ही बताओ कहाँ रखूँ मैं। यहीं पर रख दो यार, आपको ना गाड़ी चलाना आता नहीं है। और अरे यार पीछे का कांच भी तोड़ दिया। उतरो 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 आप मेरे घर से जाओ यार, अब बहुत 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 बेकार हूँ, चलो जाओ इधर से। अरे अरे यार ऐसे नए नए जब ड्राइविंग सीखो तो ऐसे छोटी छोटी गलती होती है भाई। अगर आपको नए नए सीखना है तो कहीं जाकर सीखो ना, आपने मुझे क्या बोला कि आपको अच्छे से आती है, ये अच्छे से आती है आपको। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी गलती होती रहती है। अरे बाप रे इतनी बड़ी गलती भी नहीं हुई है भाई, काट क्यों रहा है। अरे यार मेरी गाड़ी फिर से मेरे को बनाना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप जब इतना बुरा हाल क्यों कर दिया आलोक चाचा जी की। उन्होंने मास्टर की पूरी गाड़ी तोड़ दी है, मुझे इस बात में बहुत गुस्सा आ रहा है। अच्छा हाँ पर तुझे क्यों गुस्सा आ रहा है भाई, ऐसे क्या हो गया। तो तुम ज्यादा पूछोगे तो तुम्हें भी काट खाऊंगा, समझ में आया गोल मटल बच्चे। अरे बाप रे बाप जब को क्या हो गया भाई, इतने गुस्से में क्यों है, कहीं निर्मल के साथ लड़ाई तो नहीं हुई है। शिनचैन मैं सच बताऊँ तो मैं जो बोलना चाहता हूँ वो बोल नहीं पा रहा हूँ,
जो बोल पा रहा हूँ मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? अरे भाई तुम बोलना क्या चाहते है? मुझे पार्टी आई है, मैं अभी पार्टी करके आता हूँ। अरे मुझे तो पार्टी आई ही नहीं है, फिर मैं कहाँ जा रहा हूँ? यहाँ तो पार्टी का कुछ है ही नहीं, मैं यहाँ क्यों आ गया? मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है आखिर वो। एक मिनट मास्टर के बच्चे। हाँ अब समझ में आया तेरे को? बहुत बहुत जल्दी नहीं समझ गया चौप? मैं थोड़ा सा कम बुद्धि वाला हूँ ना। अरे गाइस मैं ना सच्ची में इसके दिमाग में देख रहा हूँ तो इसके पास बुद्धि की कमी नहीं है, बुद्धि फुल है इसके पास, लेकिन ना यूज करना नहीं आता बेचारे को, एकदम अनयूज्ड ब्रांडेड बुद्धि है गाइस। अगर इसे रीसेल करो ना भाई तो जितना न्यू का प्राइस मिलता है उतना मिल जाएगा। वेल गाइस अभी मैं सोच रहा था कि इसके भाई स्नोप के पास तो चलना चाहिए ना। नहीं नहीं मास्टर, अब जब शिनचैन के दिमाग में गुजरे थे तब भी मेरे भाई को नहीं छोड़ा था, बेचारा अभी उस सदमे से बाहर नहीं आया है। मतलब बाहर नहीं आया तो मेरी क्या गलती गाइस? जब अपन चलते हैं स्नोप के पास, क्योंकि स्नोप ना बाजू वाले ग्राउंड में ही खेलने गया है और उसके दोस्तों के सामने उसकी इज्जत चले गई थी, तो अभी वो इज्जत बना रहा होगा और मोस्ट प्रोबेबली इज्जत बन गई होगी। यहाँ पे पप्पू पिग है, अरे हमारा जादू भी है। नहीं नहीं नहीं, अरे यार मास्टर आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। लगता है चौप सच में पगला गया है। भाई तुझे चलते हुए गाड़ी नहीं दिखती है क्या? पप्पू पिग मुझे तो लगता है ये बहरा हो गया है। आइला इसे दिखता नहीं तो ये बहरा कैसे होगा? अच्छा सॉरी सॉरी ये तो गूंगा है। आइला गूंगा तो बोल नहीं पाता, ये तो बोल पाता है। अच्छा सॉरी सॉरी लगता है ये देख नहीं पाता है। आइला और लगता है तू सोच नहीं पाता है, इसे थोड़ा सोचना कम कर ठीक है भाई? सोच तो मैं नहीं पा रहा भाई, पप्पू पिक तुम्हारी जादू तुम्हारी मुझे बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल जरूरत नहीं है। दोनों घटिया इंसान लोग भागो इधर से। हाँ समझ नहीं आता तुम लोग को, मेरे घर के आसपास घूमते रहते हो। तुमने बोला था कि मेरे घर के पास आना, हम लोग खेलने जाएंगे, इसलिए हम लोग आए थे। हमें कोई शौक नहीं है तेरे साथ खेलने का। मुझे कौन सा शौक है तेरे साथ खेलने का, निकल इधर से समझा। अभी इतना छोटा है तुझे ऐसा कुछ लूंगा कि चींटी भी दिखाई देगी तेरे से बड़ी, समझ रहा है? और पप्पू पिक तुझे तो कुछ समझ आता नहीं है ना, बस करता रहता है। एक दिन तुझे ऐसा कोई जानवर मिलेगा जो कि तुझे बुद्धू बना देगा। अल्लाह ये तो पहले से बुद्धू है। और जब मुझे तो लगता है कि तू पगला गया है। मुझे भी यही लगता है कि मैं पगला गया हूँ, मेरे अंदर ना आर्यन आर्यन भाई ने मुझे बहुत प्यार किया है। मैं चलता हूँ बाय। मास्टर आप मुझे बोलने का मौका भी नहीं देते हो। हाँ तो क्यों दूँ, अगर तू बता देगा कि मैं तेरे को कंट्रोल कर रहा हूँ तब तो फिर यार बहुत दिक्कत हो जाएगी। गाइस अभी भी अपने पास ना बहुत सारा समय, फटाफट स्नोप के पास चलते हैं भाई। फटाफट स्नोप से मिल के घर जाता हूँ। अरे नहीं नहीं रस्ते में ये कर दिया, मुझे 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 कुछ नहीं करना। हाय हाय बूढ़े कैसा है तू? ठीक है ससुरा, तुम्हें माइकल किस एंगल से बूढ़ा दिखता है? हमको तो अभी भी जवान लगता है वो। बूढ़े मैं उसे नहीं तुझे बोल रहा हूँ समझा। तुम्हारी दिमाग कहाँ है? तुम्हारी दिमाग घास चढ़ने का ही होगा। और जवान आदमी तुम क्या हंस रहे हो, खुद तो रोड में बैठ गए हो और दिखाई नहीं दे रहा है, बाजू में इतने सीनियर सिटीजन है उनको बैठने की जगह भी नहीं दे रहे हो। ससुरा हम बोल रहे हैं तुम्हारा दिमाग फिर गया है, आज क्या तुम्हारे मास्टर ने तुम्हारे खाना का इंतजाम नहीं किया है का? अगर ऐसा है तो हमारे रात भूसे से पेट भरोगे का? नहीं नहीं मुझे से मासूम को मारोगे आप। अरे ससुरा ये क्या होगा, अभी तो ये बहुत बोल रहा था, इधर आओ भाई रोड से खाली करो जगह। नहीं करूंगा तो क्या कर लगे, मेरा रोड है मेरी मर्जी, समझ आया? मारूंगा मारूंगा बोल के साइड चला गया अजीब था भाई। ड्राइवर चाचा ज्यादा गुस्सा ना करो, जो बचे खिचे बाल है ना वो भी गिर जाएंगे आपके। तो सुरा तुम्हारी तो भागो भैया भागो, ये तो मुझे छोड़ेगा नहीं, भागो भागो। बाप रे बाप अभी मेरा बहुत बुरा हाल होता, आई होप कि अब मुझे कोई ना मिले। मास्टर मैं ये सोच रहा हूँ जब आप मेरे दिमाग से निकल जाओगे तब ये लोग मुझे कितना डांट लगाएंगे। अरे चिंता मत कर यार चौप, मैं इनको सबको बता दूंगा कि चौप ऐसा ही बेवकूफ है और उसके दिमाग में कुछ नहीं हुआ था, वो ऐसा ही करता रहता है। अरे मुझे लगा बता के कि आपने सब किया है। वो रहा स्नोप, अरे भाई वो बेचारा अकेला वहाँ पे क्या कर रहा है? स्नोप भाई तुम अकेले यहाँ पे क्या कर रहे हो भाई, मुझे बताओ। डिचका डिचका जी, उस दिन जो शिनचैन ने हमारा बेइज्जती किया जी, हम अभी तक किसी का सहा नहीं पाया जी, हम उसको सहने का बात कोशिश कर रहे हैं जी। अच्छा ऐसा है क्या, तो ठीक है फिर तो मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया खुशखबरी लाया हूँ। अब तो तुम्हारी इज्जत उस पप्पू पिक से भी कम हो गई है, हम उस पप्पू पिक को ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। डिचका
क्या जी भाई, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हैं जी, हमको हर दुख हो रहा है जी। यार गाइस मैं आपको सच बताऊं ना तो स्नॉप को ऐसा देख के ना मुझे एक्चुअली में काफी मतलब ऐसा दुख हो रहा है। एटलीस्ट स्नॉप के साथ कुछ अच्छा कर देते। चलो भाई मैं मजाक कर रहा था, असली बात तो यह है कि सब लोग वो बात भूल गए हैं और शिनचैन ने भी सबसे माफी मांगी है। उसने बता दिया है कि तुम्हारे बारे में जो बोला सब गलत था। अड़चका जी अगर ऐसा है तो मैं बात खुश है जी, हमको बात अच्छा लगा। ऑल राइट गाइस मेरे निकलने का समय आ गया भाई। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है भाई। ऑल राइट निकल गया। गाइस आज की वीडियो में तो इतना ही था। पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पर हो तो सब्सक्राइब करो। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।